राग आसा महला पहला छंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद जो बन बालड़िए मेरा पिर निहाला राम तन पिर नेह कणा रस प्रीत दयाला राम तन पिरे मेला होए स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिर कै सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख विगसी मुंद मन ओ माहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर के सुख वसै तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने गुणा वस अवगुण से तुद बाज एक तिल रह न साका कहन सुनन न तीजै नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन भी जय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे मुखारबिंद तो उच्चारण किते हुए राग आसा अंदर ये छंत सिरलेख थले जो बाणी है कर पहला इस नूं पहले घर विच गायन करन दी सेध बख्शी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये मंगलाचरण है परमात्मा एक है सर्वशक्तिवान है सर्वव्यापक है अते सच्चे गुरु दी प्रसाद कृपा द्वारा उसकी सोझी प्राप्त होंदी। सचमुच गुरु सानू टुटिया होया नू परमात्मा नाल जोड़न लई कई तरीकियां नाल समझाउंदे हन। जिवें एक जीव इस्त्री मुंद शब्द दे अखरी अर्थ विद्वाना ने मुगदा उत्साह भरी मुटियार जिसनू अपने जोबन दा ज्ञान ना होवे। सचमुच जे असी अपने जीवन वल वेखीए ते असी जीवन विच इसे तरह 10 बालतन 20 रमन 30 का सुंदर कहावे इवें ही उम्र बीत जाती। बचपने विच कहने जी हाली बचपना है बचपने तो बाद जदो तरन पाना आउंदा है कहने जी हाली जवानी है। इतना ही जिंदगी का कीमती समा जिस मकसद लई परमात्मा ने मनुखा जीवन दिता है उहदे वल ध्यान ही नहीं आउंदा। पर जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जी बड़े प्यार विच भेज के इस छंत सिरलेख थले उच्चारण कीती हुई बाणी विच हर जीव स्त्री नूं क्योंकि बाणी दा इह सिद्धांत है एका पुरख सबाई नार असी सारे जीव स्त्री रूप हां
स्त्री रूप चेरी की न्याई शोभ नहीं बिन भरता रे। जिमें एक कुदरत का नियम भी जानो कि स्त्री दे जीवन विच ओ रंग ओ रस ओ सहज ओ आनंद कदों आउंदा है जदों वो अपने पति दे प्यार विच भिज जाती। पर असी होर चीज़ां विच उलझे रहने तो गुरु नानक पातशाह जी बड़े प्यार विच संबोधन करके कहंदे ने, मुंद जोबन बालड़िए। ये तिन्ने विशेषण भी हैं, हे मुंद, हे जवानी दी मस्ती विच मस्त स्त्री, जोबन दे नन्ने नू स्यारी है, क्योंकि जोबन दी मस्ती भी बड़ी हुंदी। बालड़िए तो मतलब है अनजान मत वाली। तू अपना सारा जीवन इवें गवा देंगे, तेरा ध्यान कदे अपने उस पति वल आवेगा ही नहीं। गुरु पातशाह कहंदे ने, पिर रली आला राम। ओ पिर प्यारा, रली आला, ये दो अखरां दा जोड़ है, रली आल्या, आनंद दा सोमा है वो वाहिगुरु। तू जे अपने जीवन विच आनंद भरना चाहनी है, आनंद प्राप्त करना चाहनी है, तो तेनू ध्यान देना पवेगा। हुण पहला अखरी अर्थ ने, फिर उन्होंने भाव अर्थ ने। अखरी अर्थां नू समझन तो बाद फिर भाव अर्थां वल ध्यान देना कि गुरु जी का आशा की है। ऐसा ना होवे कि ये मनुखा जन्म जवानी दी मस्ती विच अजाण पुणे विच ही बीत जावे। इत्थे कालापन नहीं करना, एक एक अखर नू समझना। बालड़िए संबोधन है, मुंद संबोधन है, जवानी दी मस्ती विच मस्त होई हे मुग्ध इस्त्री। हे अजाण इस्त्री, मैं तेनू दसा, मेरा पिर रलिया ला राम। जे तू जीवन दे अंदर आनंद लोड़दी है ता ओ मेरा पिर परमात्मा पति रलियाला, ओ आनंद सोमा है। मुंद जोबन बालड़िए, मेरा पिर रलियाला राम। तन पिर नेह कणा, रस प्रीत दयाला राम। हुण इत्थे तन शब्द क्योंकि आया है ते दसना बहुत जरूरी है कि गुरबाणी विच धन अखर तीन रूपां विच आउंदा। जे ते तद्दा नन्ना मुक्ता है, कोई मात्रा नहीं लगी, ते आम तौर ते गुरबाणी विच ए इस्त्री वास्ते। जे धन नन्ने नू औंकड़ वाला आ जाए, ओ धन दौलत वास्ते। जे धन दे धंधे उत्ते टिप्पी भी लग जाए, तो वह धनता योग है। उचारण लगभग सारिया का धन ही होगा। तो महाराज फरमाते ने, धन पिर नहीं कणा। उस परमात्मा पति दे नाल इस जीव इस्त्री का ने कणा, ने कहंदे ने प्यार नू, इहनू कई प्रेमी नेहो पढ़दे नहीं। ये जिहड़ा हाय नू औंकड़ है, ये नाउन पुलिंग एक वचन का सूचक है। इहनू नेहो पढ़न दे नाल हाय नू होड़ा लग जाएगा, जदों कि इत्थे होड़ा है नहीं। तन पिर नेह कणा, रस प्रीत दयाला राम। रस दे ससे नू स्यारी, प्रीत दे तत्ते नू स्यारी है। दयाला ये परमात्मा का एक विशेष नाम है, जिहदा अर्थ है दया का कारण। वो परमात्मा आनंद का सोमा है। तो जिस जीव इस्त्री दी अपने प्रभु पति नाल प्रीत बन जाती, वो फिर उस दयालु
प्रभु नूं बड़े चाव नाल याद कर। तन पिरै मेला होए स्वामी, जीव इस्त्री दा ते परमात्मा पति दा मेल हुंदा है। कदों? आप प्रभु कृपा करे जिदे उत्ते प्रभु आप कृपा कर। सचमुच कईयां नूं बचपन विच भी जवानी विच भी परमात्मा नाल बड़ा प्यार हुंदा। देखो भगत रूह जी नूं 5 सालां दी उम्र विच लगी। गल उमरां दी नहीं है, गल उस दी कृपा दी। जिदे उत्ते कृपा हो जाए उदे अंदर परमात्मा पति दे प्यार दा चा पैदा हो जा। सचमुच उदी कृपा तो बिना ये मुगद, ये अजाण जीव इस्तरी इस पासे लग ही नहीं सकती। इसलिए गुरु नानक पातशाह फरमांदे ने, तन पिरै मेला होए स्वामी, इस जीव इस्तरी दा ते परमात्मा पति दा मेल कदों हुंदा है? आप प्रभु कृपा करे जे वाहगुरु आप कृपा करे। आप इसते मन नू परेरे, आप इसते मन नू चंगा लगे, ते जिन्हां ते कृपा हो जांदी फिर सेजा सुहावी, संग पिरकै सात सर अमृत भरे। उन्हां दी हिरदा रूपी सेज सुहावी सोहनी हो जाती। संग पिरकै अपने प्यारे दे नाल प्रेम करन करके, उस नूं अपने हिरदे रूपी सेज ते बिठाउण करके, सेजा सुहावी संग पिरकै सात सर अमृत भरे। हुण सात सर केड़े? सात गिणती दा शब्द है। सर सरोवरां नूं कहिंदे। ये जिहड़े साडे 5 ज्ञान इंद्रे हन, मन अते बुद्धि, ये 7 ने, जिन्हां ते फिर वाहगुरू की कृपा हो जाती, जिन्हां नूं अपने हिरदे रूपी सेज उत्ते उस परमात्मा की होंद हस्ती का अनुभव हुंदा है, उन्हां दे ये 7 ही सरोवर अमृत नाल भर जाते। असी तो इन्हां दे अधीन हो के गलत पासे वल जाने। देखो जदों असी इन्हां दी गलत वरतों करते हाँ उदों तो ये जहर नाल भर जाते, तो जदों इन्हां दी वरतों ठीक परमात्मा वाले पासे करते हाँ फिर उहदे नाम रूपी अमृत नाल भर जाते। इंद्रे तो इंद्रे ही हैं, अखां ने अपना काम करना है, नक ने अपना काम करना है, कन्ना ने अपना काम करना, पर फिर इन्हां दी जिहड़ी किरिया है जिहनूं असीं किरिया शैली कहिंदे आ, वो निर्मल हो जांदी, उहदे विच पवित्रता आ जांदी। अखां दी देखणी विच पवित्रता आ जांदी, कन्नां दे सुणन विच पवित्रता आ जांदी। फिर एक गंदे सीन नहीं देखदा, फिर एक कन्नां नाल गंदे गीत नहीं सुणदा, फिर एक जीभां नाल कोई ऐसा वचन नहीं बोलदा। तो गल की जिदे उत्ते वाहिगुरू की कृपा हो जाती, सेजा सुहावी संग पिरकै सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो। हुण फिर जीव स्त्री ने अरदास करनी, हे वाहिगुरु मेरे ते दया करो, मेरे ते कृपा करो, हे दया दे कर सच्चे वाहिगुरु मेरे ते मेहर करो, क्योंकि तुहाडी कृपा तो बिना ये कार्ज नहीं हो सकता। की कृपा कर? शब्द मिल गुण गावो। मैं गुरु दे शब्द द्वारा मिल के संगत दे नाल तेरे गुण गायन करने का। देखो तरीका तो उही है, संगत विच जुड़े तो बिना ना सोझी आउंदी है, ना समझ आउंदी है, ना जाच सीखी जाती। बस जदों ये सोझी मिल जाती फिर उहदे हाथ जुड़ जाते, फिर वह बेनतियां कर दया मया
दयाल साचे शब्द मिल गुण गाओ। मैं गुरु नु मिल के तुहाडे गुण गायन कर। नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन ओ माहो। उही मुंद जेड़ी पहला अजाण पुणे विच मस्ती विच अपना जीवन बतीत कर। हुण नानक जी फरमांदे ने हर वर देख बिगसी, हरी पति दे दर्शन करके ओदी सो सुन के मुंद मन ओ माहो। उस मुंद जीव इस्तरी दे मन विच ओ माहो चा पैदा हो जा, फिर ओ उना दी संगत करती जेड़े परमात्मा पति नाल मिलिया होईया ने, ते उना नू की कहंदी। मुंद सहज सलोनड़िए, सलोनड़िए दा अर्थ है सोहणे नेत्रां वाली। सहज दा मतलब है आत्मक अवस्था विच टिकी होई। मुंद सहज सलोनड़िए इक प्रेम बेनंती राम, मेरी तेरे चरणा विच एक प्रेम भरी बेनती। इनू बेनंती बोलना, क्योंकि गुरबाणी विच ये अखर बेनती भी आउंदा है, बेनंती भी आउंदा है, बिनती भी आउंदा है, बेनंती भी आउंदा। ये मात्रा नू पूरा करन वास्ते स्वरूप बदले ने, अर्थ हो ही रहेगा। मुंद सहज सलोनड़िए इक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम। आख्या मेरे ते भी कृपा करो, मैनू भी कोई ऐसी जुगत तरीका ढंग दसो कि मैं मन तन हर पावे, मेरे मन विच मेरे तन विच हरी चंगा लगन लग पवे। प्रभ संगम राती राम, ते मेरा प्रभु नाल संगम मेल हो जाए। प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै। प्रभ प्रेम राती, जिहड़ी जीव स्त्री प्रभु दे प्रेम विच रंगी गई, वह फिर हर वेले हरी दे चरणा विच बेनती कर। नाम हर कै सुख वसै, नाम दे मम्मे नू सियारी है, वह हरी दे नाम विच जुड़ के फिर सुख विच वसदी है, भाव उस नू सहज आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा है। तौ गुण पछाणे तां प्रभ जाने, गुणावस अवगुण नसै। देखो पहला की हुंदा है, इस मुगध जीव इस्त्री नू परमात्मा पति दे गुणा दा पता ही नहीं हुंदा। असी संगत तां करनी है, सत्संग तां करना है, प्रभु दी बाणी दा पाठ कीर्तन विचार तां करनी, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਪਛਾਣੇ, ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ, ਗੁਣਾਂ ਵਸ ਅਵਗਣ ਨਸੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਰੁੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਅਵਗੁਣ ਨਸੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, या नाम टिकेगा या होमे टिके, या गुण टिकणगे या अवगुण टिकणगे। ते जदों गुणा नू हिरदे विच थां मिल गई, अवगुण आपे दूर हो गए। तुद बाज इक तिल रह न साका, कहण सुनण न तीजै। बस जदों प्यार सच्चा प्राप्त हुंदा है, फिर जीव स्त्री अरदासां करदी, हे वाहिगुरु, हे मेरे प्यारे पति, ਤੁਦਬਾਜ ਇੱਕ ਤਿਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਤੀਜੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰ ਪੁਕਾਰੇ,
रसन रस मन पी जाए, नानक जी फरमाते वो फिर जीव इस तरी हर वेले प्रयो प्रयो प्यारे नू याद करती। कोई वाहिगुरु कह के करता है, कोई अल्लाह कह के करता है, कोई गुस्साई कह के। रसन रस मन भी जाए, इस तरह रस के बिच उदा जिहड़ा मन है भिज जाता है, तो जिहदा मन भिज जाता है उन्हूं फिर होर पासे दी झाक नहीं रहती। क्योंकि इस छंद दे चार पदे ने, दो दी विचार कीती है, दो दी विचार कल फिर कीती जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।